हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SMK गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी 3 आयुर्वेदिक पौधों के बारे में बताऊंगी और आपको उन पौधों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी गिलोय की बेल दिखाती हूँ। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग से लगाई थी और अभी देखिए काफ़ी फैल चुकी है और इसकी तना देखिए कितना मोटा हो गया है। इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और अब ये काफ़ी मोटा भी हो गया है। तो हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको इधर से कट करके इसकी एक पेंसिल जितनी कटिंग लेकर हम उसको मिट्टी में दबाकर छोड़ दें तो उसकी कटिंग वो चल जाती है। कटिंग का रिजल्ट आप मेरी ये बेल देखकर सोच सकते हैं कि एक कटिंग लगाने से ये कितनी फैल चुकी है और ये काफ़ी लंबी है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये देखिए कहाँ तक फैली हुई है। देखिए, मैंने इसको ऊपर छत पर चढ़ाया हुआ है जो काफ़ी लंबी फैली हुई है और मैंने इसको एक रस्सी की सहायता से बांध रखा है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें ये क्या निकला है इसका मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बीज है या कुछ और है। एक ग्रीन कलर का है और एक येलो कलर का, इसमें दो बीज है या कुछ ऐसा निकला हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपना दूसरा पौधा दिखाती हूँ। ये है पेडिलेंथस का पौधा। तो दोस्तों, इसको भी हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। हम इसकी एक दो टहनियाँ काट कर इसको मिट्टी में दबा दें, उसी से इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है और खूब अच्छी इसकी ग्रोथ भी होती है। इसको हम फरवरी में लगा सकते हैं क्योंकि फरवरी में इसकी कटिंग ज़्यादा अच्छी चलती है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब मैं आपको अपना अगला पौधा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा अजवाइन का पौधा। ये भी एक आयुर्वेदिक पौधा होता है जो हमारे पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इसको पत्तियों को हम खाली पेट सुबह खा सकते हैं। जिसको गैस्ट्रिक वगैरह की दिक्कत होती है तो हम इसको खाली पेट सुबह 1 से या 2 पत्तियाँ इसकी चबा कर खा सकते हैं तो हमें गैस्ट्रिक वगैरह की दिक्कत नहीं रहती। इसकी पत्तियों के हम पकोड़े वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं और सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी पत्तियाँ हमारे पेट के काफ़ी रोगों को दूर करती है। और ये भी दोस्तों एक कटिंग से ही लगती है, ये नहीं है कि हमें इसको खरीद के लाना पड़े। तो ये देखिए, हम इसकी एक इतनी सी टहनी काट कर इसको मिट्टी में दबा देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी चल जाएगी और उसके बाद हमें कोई भी दूसरा पौधा लाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी से ही काफ़ी फैल जाएगी। तो अभी मैं आपको अपना अगला पौधा दिखाती हूँ। ये है मेरा तुलसी का पौधा। ये भी एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसकी पत्तियों का भी दवाई वगैरह में काफ़ी यूज होता है। तो दोस्तों, इसकी पत्तियों को भी हम सुबह खाली पेट खा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसके कई पौधे लगा रखे हैं, मैंने इसके 5 से 6 पौधे लगा रखे हैं और जो काफ़ी हरे भरे हैं। ये देखिए, इसको मैंने एक बड़े गमले में लगा रखा है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है और लंबा भी हो गया है। तो दोस्तों, इसकी भी पत्तियाँ खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे पेट में। हम इसकी पत्तियों को चाय वगैरह में भी डालकर पी सकते हैं और जब खांसी जुखाम वगैरह हो तो हम इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं जो हमारी खांसी जुखाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, इसके पत्तियों का जो हम काढ़ा बनाकर पीते हैं वो हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान भी नहीं होता था। तो दोस्तों, इसलिए आप भी इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाएं और इनका यूज करके देखें। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।